आयुष्मान खुराना ऐसा एक्टर है जिन्होंने कम बजट वाला मूवियों को भी बजट से 3 या 4 गुना बॉक्स ऑफिस पर कमाकर छोड़ता है। और आयुष्मान ने नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता भी है, वो भी सिर्फ 11 मूवी की कैरियर में। और आयुष्मान का लास्ट रिलीज था आर्टिकल 15, जो की बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों, आज मैं आयुष्मान खुराना का इवोल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ, और आयुष्मान के फैंस ये वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, इंट्रो के बाद मिलते हैं। विक्की डोनर। ये 2012 पर रोमांटिक कॉमेडी डेब्यू फिल्म था, और इस फिल्म के लिए आयुष्मान को फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मल्टीवर्ड मिला था। नौटंकी साला। ये 2013 में रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म था, और इसके लिए आयुष्मान को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला था। बेवा खुफिया। ये 2014 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म था। हवाई जादा। ये 2015 में बायोग्राफिकल फिल्म था। दम लगा के हाइसा। ये 2015 में रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म था। मेरी प्यारी बिंदु। ये 2017 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म था। बर्ली की बर्फी। ये आयुष्मान का 2017 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म था। शुभ मंगल सावधान। ये 2017 में आयुष्मान का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म था। अंधाधुन। ये 2018 में आयुष्मान का ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म था, और इसके लिए आयुष्मान को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला है। बधाई हो। ये 2018 का आयुष्मान का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। आर्टिकल 15। ये 2019 का क्राइम ड्रामा फिल्म था। ड्रीम गर्ल। ये 2019 का अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। बाला। ये भी 2019 का अपकमिंग ब्लैक कॉमेडी वाला फिल्म है। तो दोस्तों, ये रहा आयुष्मान खुराना की मूवीज इवोल्यूशन के बारे में, और इन सभी मूवियों में आयुष्मान खुराना के कौन से लुक मोस्ट फेवरेट है आपको कमेंट करके बताना। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और इस तरह की बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मॉरिशस इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।